आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अब मैं गुजारिश कर रहा हूं उस शख्सियत के हुजूर आपको लिए चल रहा हूं जिसे मखमूर काकोरवी कहते हैं। उनकी गज़लों में बड़ी जिद्दत है, उनकी गज़लों में मौत की अफसुर्दगी आपको कहीं नहीं मिलेगी बल्कि ज़िंदगी की ताजगी आपका इस्तकबाल करेगी। जनाब मखमूर काकोरवी से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएं इस शेर के साथ कि मेरी शायरी को सुनकर मेरी फ़िक्र तक पहुंचकर मुझे याद सब करेंगे मेरे बाद आने वाले। एक खूबसूरत शायर जनाब मखमूर काकोरवी माइक पर। हज़रात-ए-गिरामी एक कथा हाज़िर कर रहा हूँ, पहले मुलाहिज़ा फरमा लें मोहतरम कि बस अपनी फ़िक्र में महदूद होते जा रहे हैं हम। वाह 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 वा। बस अपनी फिक्र में महदूद होते जा रहे हैं हम। गज़ब है किस कदर बेसूद होते जा रहे हैं हम। वाह वाह। बस अपनी फिक्र में महदूद होते जा रहे हैं हम। गज़ब है किस कदर बेसूद होते जा रहे हैं हम। और शरफ हासिल है औलादे खलीलुल्लाह होने का। वाह। शरफ हासिल है औलादे खलीलुल्लाह होने का, मगर मिन्नत कशे नमरूद होते जा रहे हैं। वाह वाह वाह। शरफ हासिल है औलादे खलीलुल्लाह होने का, मगर मिन्नत कशे नमरूद होते जा रहे हैं हम। वाह 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 वाह। एक कथा और हाजिर कर रहा हूँ कि सुर्खिए शाम कभी रंगे शफक देता है। सुर्खिए शाम कभी रंगे शफक देता है, वक्त हालात से लड़ने का सबक देता है। वाह वाह वाह। सुर्खिए शाम कभी रंगे शफक देता है, वक्त हालात से लड़ने का सबक देता है। और दोस्तों हक के लिए सीना सिपर हो जाओ। क्या कहने दोस्तों, हक के लिए सीना सिपर हो जाओ। कौन इस दौर में आसानी से हक देता है। वाह वाह। कौन इस दौर में आसानी से हक देता है। और सफर लिखा था मुकद्दर में हम सफर में रहे। सफर लिखा था मुकद्दर में हम सफर में रहे। तमाम उम्र इसी तरह रह गुजर में रहे। और जिन्हें अजीज थी जाने वो कर गए हिजरत। जिन्हें अजीज थी जाने वो कर गए हिजरत। वतन परस्त मरे भी तो अपने घर में रहे। वतन परस्त मरे भी तो अपने घर में रहे। एक कथा और मुलाहिज़ा फरमा ले, उसके बाद चार पांच शेर गजल के। इनायत मुहतरम। अगर वो कत्ल करने के लिए पुरजोश बैठे हैं। अगर वो कत्ल करने के लिए पुरजोश बैठे हैं तो फिर हम भी सरे मक्तल कफन बरदोश बैठे हैं। अगर वो कत्ल करने के लिए पुरजोश बैठे हैं तो फिर हम भी सरे मक्तल कफन बरदोश बैठे हैं। और हमारी बेगुनाही हम अदालत में हमारी बेगुनाही कैसे साबित हो। अदालत में हमारी बेगुनाही कैसे साबित हो के हक गो बरबिनाए मसलहत खामोश बैठे हैं। अदालत में हमारी बेगुनाही कैसे साबित हो कि हक को बरबिनाए मसलहत खामोश बैठे हैं। क्या कहने। वाह। एक गजल का मतला हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा फरमा ले। वाह। कि सर इसलिए बुलंद है कातिल के सामने। सर इसलिए बुलंद है, सर इसलिए बुलंद है कातिल के सामने, झुकता नहीं है हक कभी बातिल के सामने। वाह वाह। सर इसलिए बुलंद है कातिल के सामने, झुकता नहीं है हक कभी बातिल के सामने। और ये शेर खालिस गजल का पेश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमा ले। कि आसान बहुत था तर्क मोहब्बत का फैसला। आसान बहुत था तर्क मोहब्बत का फैसला। मजबूर हो गया हूँ मगर दिल के सामने। मगर दिल के सामने। और ये शेर भी बतौर खास कि मजबूर हो गया हूँ मगर दिल के सामने। और तरके वतन करें कि मोहब्बत में जान दें। तरके वतन करें कि मोहब्बत में जान दें। पेचीदा मसाला है अनादिल के सामने। पेचीदा मसाला है अनादिल के सामने। और उनके कदम
न रोक सकी मुश्किलें कभी, वाह, उनके कदम न रोक सकी मुश्किलें कभी, सीना सिपर रहे हैं जो मुश्किल के सामने, वाह वाह, सीना सिपर रहे हैं जो मुश्किल के सामने। और ये शेर देखिएगा, बिल्कुल अलग किस्म का है, इनायत मोहतरम, क्या खूब मशवरा है किसी अक्लमंद का, वाह वाह, क्या खूब मशवरा है किसी अक्लमंद का, खामोश रहना चाहिए जाहिल के सामने, क्या कहने, क्या खूब मशवरा है किसी अक्लमंद का, खामोश रहना चाहिए जाहिल के सामने। और मख्ता भी हाजिर है इन्हीं मोहब्बतों के साथ, सुन लीजिए कि मखमूर अपने अपने मुकद्दर की बात है, मखमूर अपने अपने मुकद्दर की बात है, कश्ती नकाश डूबती साहिल के सामने, कश्ती नकाश डूबती साहिल के सामने, सर इसलिए बुलंद है कातिल के सामने, झुकता नहीं हक कभी बातिल के सामने। बहुत शुक्रिया।